सत श्री अकाल, सलाम आदाब। मैं हूँ सिमरन हंस और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। तो आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक बार बॉलीवुड की नई अपडेट लेके। ये अपडेट जुड़ी है बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन जी की माने तो वो कुछ सालों से ही नहीं बल्कि कुछ डेकेड से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी ने अब तक बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं और अगर हम बिग बी की बात करें, आज भी उनका क्रेज वैसे ही बरकरार है जैसा कि उनके करियर के स्टार्टिंग में था। वहीं अगर हम उनकी बात करें, आज भी वो अपनी फिल्मों में दमदार एक्टिंग के चलते जाने जाते हैं। आज भी उनकी फिल्मों में जो उनकी परफॉर्मेंस रहती है, जरा सी भी कमी नहीं आती है उनकी परफॉर्मेंस में। और अगर हम इनसे जुड़ी खबर की बात करें यानी रीसेंट अपडेट की बात करें, तो रीसेंटली अमिताभ बच्चन जी का नाम चुना गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है हिंदी सिनेमा का, इंडियन सिनेमा का बहुत ही ज्यादा प्रीशियस अवार्ड माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस अवार्ड्स ऑफ इंडियन सिनेमा है दादा साहब फाल्के, बिकॉज दादा साहब फाल्के जो है इन्होंने इंडियन सिनेमा की शुरुआत की थी, पहली इंडियन मूवी बनाई थी। पहली इंडियन मूवी की बात करें तो दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई थी, उन्हीं के नाम से ये अवार्ड्स जो हैं दिए जाते हैं। और इस बार इस अवार्ड के लिए चुना गया है बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी को। और अगर हम बात करें बॉलीवुड के बिग बी की, जहां बिग बी के फैंस जो हैं बहुत ज्यादा खुश हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, बिग बी भी बहुत खुश है, उनकी फैमिली खुश है, साथ ही साथ हमारे बॉलीवुड के जो बाकी सेलिब्रिटीज हैं, जो बी टाउन के सितारे हैं, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए से। इन सेलिब्रिटीज में से कुछ हैं सुपरस्टार रजनीकांत, अनिल कपूर, करण जौहर, किरण खेर, इवन सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट करके इस बात पर खुशी जताई है। तो आइए हम देखते हैं इन सबके ट्वीट्स और इन सब ने क्या पोस्ट किया है बिग बी के बारे में।